देखिए भाई स्टूडेंट्स, अब मैं इंटरमीडिएट मैथ में, इंटरमीडिएट क्लास की मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, समाकलन। समाकलन के जरूर न्यूमेरिकल आते हैं, आप सभी जानते होंगे समाकलन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं समाकलन का सवाल बताने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उस आधार पर आप एक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, तो शुरू कर रहे हैं समाकलन। समाकलन का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि x माइनस वन अपॉन x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा क्वेश्चन है ये, और dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ब्रैकेट में है, द्विघात नहीं है, ये द्विघात है, दो घात आ रही है इसमें, तो इसको भी इसी की तरह सिमिलर कर लेंगे, ऐसा ही बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इतना क्वेश्चन उतार लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 उतार लिया और इसको फैक्टर कर दिया हमने। फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 है, इस 6 के टुकड़े करेंगे 3 2 में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 6, ये सबने पढ़ा होगा आपने। इसमें से पेयर बना लेंगे, इसका पेयर इससे और इसका पेयर इससे, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसमें से 2 लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 2 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो सेम ब्रैकेट एक बार लिखते हैं, बचा हुआ कौन है x और बचा हुआ है 2, x माइनस 2। तो देखा आपने, इस ब्रैकेट से भी 2 ब्रैकेट, इससे 2 ब्रैकेट निकल गए। अब ये हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो इस सवाल का रूप कुछ बदल जाएगा, इसकी चेंज हो गई फॉर्म, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, अब आ जाएगा x माइनस 2 लिख दो और लिख दो x माइनस 3। किसकी जगह लिखा है, इस बड़े वाले ब्रैकेट की जगह, ये 2 छोटे ब्रैकेट बना लिए। अगर आप गुणा करोगे तो देखो फिर से वही आ जाएगा, देखो x की x में करो x स्क्वायर और 3 और 2 5 और 3 2 6 और dx है। अब हमने क्या करा, हमने इसको, इस सवाल को अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, तो इसके हमने इसको फिर से अलग उतार के इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसे उतार लिया हमने, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, 3 भागों में डिवाइड करना है, तो हम a मान लेंगे, एक a मान लेंगे अपनी तरफ से, लिखेंगे x माइनस 1, यानी भिन्न है ये, इसको आंशिक भिन्न बना लेंगे, फिर लिख देंगे b अपॉन x माइनस 2, फिर लिख देंगे c अपॉन x माइनस 3। कहने का मतलब है कि एक भिन्न से हमने क्या करा, 3 भिन्न बना ली। जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, देखो जैसे हमारे पास 2 भिन्न हो, 1/2 और 1/2, इन दोनों से एक भिन्न बन जाएगी, देखो कैसे बनेगी, देखो कैसे बन जाएगी, देखो 2 यहाँ से एलसीएम, या आप चलो यहाँ बदल के लिख दो, यहाँ लिख दो 7। अब देखो 2 तो एलसीएम आ गया, अब ये बन आ जाएगा +7 आ जाएगा, तो ये हो गए 9, वो 8 हो गए, 7 और 1 8। तो देखा आपने, 2 भिन्न थी और 2 से कितनी बन गई, 1 भिन्न, तो 2 भिन्नों से 1 बन गई ना। तो ऐसे ही इसके, अब मैं कहूँ इससे 2 बन जाएंगी तो बात तो वही हुई, 2 से 1 बन रही है, या इस 1 से 2 बन जाएंगी। ऐसे 3 होती तब 3 से भी तो मैं 1 बना लेता, फिर उन 1 से 3 बना लेता, तो इसका मतलब इसको स्प्लिट करा जा सकता है ना, इस भिन्न को स्प्लिट करा जा सकता है, 2 बनाई जा सकती हैं 3 बनाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करा, एक भिन्न बड़ी भिन्न से 3 छोटी छोटी भिन्नें बना ली, अब इनको जोड़ोगे रहेगा तो इसी के बराबर, बात तो वही है। तो इस बड़ी भिन्न से ऐसा क्यों क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन का ये सवाल है ये इजी हो जाए। तो अब हमने क्या करा, 1 अपॉन इधर का ऐसे ही रहने दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इधर का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में तीनों आएंगे, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 3 आएगा। अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कट गया, माने सेम है, या कुछ भी कह लो ये दोनों समान है। अब ये आएंगे जो बचे, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें, तो a के साथ कौन आएगा, x माइनस 2 आएगा, a के साथ x माइनस 3 आएगा, प्लस अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 ये हट गया, ये माना नहीं जाएगा, तो ये अब दोनों इसके साथ आएंगे, तो x-1 आएगा और x-3 आएगा। अब कौन सा लोगे, c, अब देखो c के साथ कौन नहीं आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, तो ये दोनों आएंगे, तो यानी ये दोनों आएंगे, तो x-1 आएगा, x-2 आएगा।
अब देख लो एक्स में ए के संग में वन नहीं होगा, देखो वन नहीं है। बी के संग में टू नहीं होगा, देखो टू नहीं है। सी के संग में थ्री वाला नहीं होगा, देखो नहीं है। अब देखो नीचे वाले, ये नीचे वाले कट गए तो ये क्या बचा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये वन बचेगा और ये पूरी लाइन बचेगी। तो पूरी लाइन लिख दो ए एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन, फिर लिख दो बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस तीन, फिर लिख दो सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो। देखो वन टू और वन थ्री वाले और ये टू थ्री वाले। अब देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर तुमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली तो समझ लो सवाल हल हो गया। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे x बराबर दो रख देंगे अपनी मर्जी से। x बराबर दो रखने पर अब आप कहोगे सर दो क्यों रखा, देखो दो भी रख सकते हो तीन भी रख सकते हो, हमें क्या करना है जीरो करना है इस पूरे को। अब दो रखोगे तो देखो यहाँ पर जैसे ही दो रखोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, जीरो देंगे। अब जीरो का मल्टीप्लाई इसमें होगा ये भी मर जाएगा, फिर जीरो के मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी यहाँ से या तो पूरा खत्म हो गया। अब देखो x बराबर दो रखोगे तो ये भी देखो खत्म हो गया, तो कौन कौन खत्म हो गया, देखो c वाली टर्म पूरी खत्म होने वाली है, a वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी। कौन सी टर्म बचेगी, b वाली बचेगी, रखो यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ दो रख दो, इसमें रखो ही मत क्योंकि तो बेकार हो गया, ये भी मत रखो इसमें बेकार हो गया, तो ये रखो यहाँ। तो ये क्या बचा, बी दो माइनस एक दो माइनस तीन, तो यहाँ बचेगा एक, एक बचा तो बी गुणा एक, यहाँ पर बचा माइनस का एक। अब ये माइनस का एक, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो तो बी बराबर आ गया माइनस वन। इसी प्रकार इसे जीरो कर लो एक बार। अब क्या रखो, अब रखो एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर वन पर या पर या रखने पर एक ही बात है। तो एक्स बराबर वन रखोगे तो देखो फिर से उतार के दिखा रहे हैं आपको, ए एक्स माइनस, पहले ये पूरी लाइन उतार रहा हूँ मैं, ए एक्स माइनस टू, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, फिर सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। देखो टू थ्री है, टू थ्री है, वन थ्री है, वन थ्री है, वन टू है, वन टू। अब देखो मैं वन रख रहा हूँ तो वन से कौन कौन सी चीज़ आई ये चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही वन रखोगे यहाँ तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो दोनों गायब होने वाले हैं, ये बचेगा ए। यहाँ पे क्या रखोगे वन माइनस टू, यहाँ पे क्या रखोगे वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ तो वन है तो यहाँ ए, यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस का टू। अब देखो ये हो गए माइनस में दो एकम दो, तो टू ए लिख दो सीधे सीधे, ये वन। तो अगर मैं ए बराबर निकालूं तो क्या आएगा, वन और बटे में ये टू, दो चले जाएंगे, ये आ गया। अब एक बार मैंने वन रख लिया, एक बार टू रख दिया, अब मैं थ्री रखता हूँ। अब देखो एक्स बराबर थ्री, थ्री रखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, थ्री रखने से ये टर्म चली जाएगी, ये वाली टर्म चली जाएगी, ये सी बचेगा, तो मैंने इसी में रख दिया। देखो वन ए, ये तो खत्म हो जाएगी, बेकार है ये टर्म, थ्री है ना इसमें, जैसी थ्री रखोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। अच्छा ये वाला थ्री भी कट जाएगा तो ये वाला बचेगा सी, तो सी थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू, यहाँ पर रख रहे हैं यहाँ इन दोनों में, तो वन बराबर ये हो जाएगा टू, ये टू बचा और ये वन बचा, तो ये हो जाएगा दो एकम दो, यानी टू सी बराबर वन, तो सी बराबर हाफ। तो देखा आपने, ए का मान हाफ, सी का भी हाफ और बी का वन, बी का माइनस वन। अब ये सवाल क्या था, सवाल ये था इसका रूप, इसको हमने कैसे करा, पहले ऐसे करा, फिर इसको और इजी करा तो ऐसे करा, तो यानी ये वाला भी नहीं उतारेंगे, ये भी मत उतारो, ये उतारो ये, तो यानी इस सवाल के तीन रूप हो गए। तो यानी हम लिखेंगे आई बराबर, आई इंटीग्रेशन का साइन है, और फिर हम लिखेंगे ए बटे, क्या लिखेंगे ए बटे, ए बटे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी बटे डी एक्स, तो अपने आप आ जाएगा जब यहाँ रखो तो डी एक्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब लिखो एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस सी बटे एक्स माइनस तीन और डी एक्स, समझ गए होंगे आप लोग डी एक्स। अब देखो ये तीन रूप हो गए, इसके तीन स्टेप में हो गए सवाल। अब एक ही वैल्यू रख दो, एक ही वैल्यू कितनी है, तो एक ही वैल्यू है देखो हाफ, हाफ कैसे रखोगे, ऐसे लिखेंगे हाफ, देखो एक बटा दो। बी की वैल्यू कितनी है,
माइनस वन, तो माइनस वन यहां लिख दो या यहां पर माइनस कर दो, चलो यहीं लिख दो। c की वैल्यू कितनी है, हाफ, चलिए। अब हम इसका फार्मूला कहते हैं, सूत्र रट लो, एक इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, सूत्र होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर, कहीं दिखे अगर आपको ऐसा दिखे तो उसकी जगह लिख देते हैं लॉग ई एक्स, यानी इसका जो फार्मूला है वो ये है। तो ऐसा यही फार्मूले को तो फॉलो कर रहा है ये, देखो वन अपॉन एक्स, इस पूरे को एक्स मान लो, इस पूरे को x की तरह बिहेव मान लो, ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 अपॉन x हो गया, इस यानी लगा दो तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर आएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, लिख दो log e और x माइनस 1, फिर लिख दो b, अब प्लस माइनस माइनस, log e x माइनस 2, फिर लिख दो प्लस 1 अपॉन 2 log e x माइनस 3, और समाकलन में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हाँ भाई कांस्टेंट लगा दो, अगर नहीं भी लगाओ गलत नहीं है, लगा दोगे तो सही है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। आप चाहो तो 1/2 वाले पास लिख लो, इसको एक तरफ लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस आधार पर मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। देखिए क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। आई बराबर एक सवाल मैंने बना लिया, वन अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1/2 और 2x माइनस 5, तो ये सवाल आपको हल करना है और इसी बेस पे इसको हल करना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। थैंक यू, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।